तो अली भाई अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे पैर जाने लगे, और मैं वहाँ से दबे दबे पैर बाइक पे बैठा, बाइक पे आहिस्ता 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 लाइट ऑफ करके अली भाई की तरफ आया, अली भाई मैं बैठे और फिर हम वहाँ से निकले गए, एक तरीके के भाग ही गए। तो सीन ये था कि आगे जाके हम एक केबिन पर रुके, जहाँ से मैंने पानी की बोतल ली और अली भाई को बोला, अली भाई अभी भी टाइम है चल के बकरे ले लेते। अली भाई ने बोला, भाई माफ़ कर, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। कल व्लॉग डालने से पहले मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा था और एक पूल क्रिएट कर रहा था कि जिसमें बकरा मंडी था और सरजानी मंडी था और एक था स्टोरी टाइम। तो नंबर वन पे रहा था बकरा मंडी, जिसकी वजह से मैंने कल ही वो व्लॉग अपलोड कर दिया था बकरा मंडी का। लेकिन सेकंड पे जो मुझे लगा था ना, वो सरजानी मंडी था। लेकिन जितनी सरजानी मंडी से दादा मुझे मैसेजेस आए थे इंस्टा पे, तकरीबन 7 से 8 मैसेज आए थे कि दिल भाई ये स्टोरी टाइम क्या होता है, स्टोरी टाइम करके दिखाओ। तो स्टोरी टाइम में मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी। और एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन हम स्टोरी टाइम करेंगे उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम 2 व्लॉग डालें। एक तो स्टोरी टाइम हो जाएगा, वो तो जल्दी से बन जाती है क्योंकि उसकी एक स्टोरी होती है बहुत मज़ेदार। और सेकंड हम व्लॉग करने की कोशिश करेंगे कोई और, ताकि हम एक दिन में 2 वीडियो डाल दें। लेकिन सिर्फ उस दिन ये होगा जिस दिन हम स्टोरी टाइम शेयर करेंगे, वरना तो आप लोग बोलोगे आदिल भाई तुम स्टोरी टाइम करके हमें कटा रहे हो, हमें डेली व्लॉग देखने होते हैं। स्टोरी टाइम की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो भाई, ये है स्टोरी टाइम की वजह, ये है सैफी हॉस्पिटल का पर्चा जहाँ मेरे गले का ट्रीटमेंट हो रहा है। काफ़ी गला ख़राब है यार, दुआ करना। और ये दवाइयाँ देखो आप लोग, दवाइयों की भरमार देखो, अंदर भी बहुत सारी दवाएँ मैं दिखाऊँ। ये दवाई की भरमार है, इसी वजह से आज स्टोरी टाइम कर रहा हूँ। तो भाई ये वजह है स्टोरी टाइम करने की। और रेगुलर व्यूवर्स को बताता चलूँ कि भाई के लिए दुआ करो, गले की कंडीशन सही नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है, 7 दिन का कोर्स दिया है और उसके बाद बोला है कि फिर दिखाना। तो अभी चलते हैं ज़रा स्टोरी टाइम का थोड़ा सा ना माहौल बनाते हैं और फिर स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के स्टोरी टाइम में आपको मैं एक एक रियल और एक रॉ एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि सुन के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो यार ये 5-6 दिन पहले की बात है, जब अली भाई और मैं बकरा लेने गए रात में। अब हम गए बकरा मंडी गेट नंबर 3 से, जैसे इंटर हुए हम घुसे बकरा मंडी के अंदर, उतरते के साथ ही एक बकरा मतलब छोटा सा टापरा अली भाई को बहुत पसंद आया, जिसकी कुल मिला के हाइट होगी ये इतना सा वो बकरा था, 85,000 वो उसके मांग रहा था और हमने लगा दी तो उसके 60,000 रुपये। लेकिन उसकी जो कमर थी वो ये थी, उसका पेट ये था, उसका सीना ये था। तो अली भाई का वो बकरा बहुत पसंद आया और अली भाई ने बोला, यार इस पे तो मैं अपने पूरे रेट लगा दूंगा। मैंने, अली भाई आपने इतने सारे रेट लगा दिए, इसके अलावा आप क्या लगाएंगे, वो तो कम कर ही नहीं रहा। हमने उसके बाद तकरीबन आधा पौन घंटा उसका इंतज़ार किया कि भाई मिन्नतें करी खुदा के वास्ते दे दे, बस पैर पकड़ना ही रह गया था। तो उसने बोला कि भाई ये बकरा मैं आपको 70,000 रुपये से कम में नहीं दूंगा। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर हम आगे निकले हम लोग, बहुत सारे बकरों के रेट लिए, तो किसी के 1 लाख, तो किसी के 1.5 लाख, तो किसी के 2 लाख। अच्छा, हमें कुर्बानी के लिए चाहिए होती है खूबसूरत चीज़ जो कि नायाब हो और जो हमारे घर पर खड़े हो, तो गुजरने वाला एक बार ज़रूर बाइक रोक के देखे और बोले कि यार अदील चीज़ लेकर आया था। तो ये सीन था, मैं ढूंढता गया चीज़ें नायाब, बकरे ढूंढता गया, बड़े नहीं अपने हिसाब से 50 से 60 हज़ार के हिसाब से छोटे टापरे गोल मटोल। आगे जाके हमें 2 बकरे पसंद आए, गुलाबी टापरे थे, उनकी पिंक नोज थी, पूरे सफ़ेद थे। उसने उस जोड़ी के मांगे 1,40,000। हम पूरी मंडी घूम कर आ गए थे लेकिन ये रेट हमें कहीं भी नहीं मिले थे। सब 2-2 लाख रुपये मांग रहे थे एक बकरे को, उसने एक बकरे के मारे 1,40,000। अब उसने 1,40,000 मांग तो ली थी बकरे के, लेकिन हमारी रेंज इतनी नहीं थी। हमारी रेंज 50 से 60 हज़ार बकरे की थी और गाय की आप लोगों को पता है कि 2.5 से 3 लाख रुपए। तो अली भाई ने बोला, यार इस बार 3 लाख की नहीं 2.5 लाख की गाय ले लेंगे या उससे नीचे, ये बकरे 1 लाख के 2 ले लेते हैं। तो अली भाई ने उसको चुट्टे के साथ बोला, भाई 1 लाख में बकरा देना है? उसने बोला नहीं। हम लोग जाने लगे, उसने पीछे से आवाज़ दी, उसने बोला भाई 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। तो अली भाई ने मेरी तरफ़ देखा, मैंने अली भाई की तरफ़ देखा, उनमें से एक बकरा इतना बड़ा था कि उसके 80,000 रुपये अगर हम ख़रीद के बेचने जाएँ तो आराम से मिलेंगे। तो एक बकरा बहुत अच्छा था और एक बकरा छोटा था, काफ़ी कद में, लेकिन वज़न वगैरह में बहुत अच्छा था। लेकिन एक इशू था कि वो मोशन बहुत कर रहा था, उसके जो पीछे का हिस्सा था पूरा वो मोशन में सना हुआ था। तो डर था कि खुदा ना खास्ता अभी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा वाकया ना हो जाए जो हमारे ऊपर गले में आ जाए। तो हमने ना कोशिश करी कि यार अब 1 लाख बहुत है, इससे ज़्यादा लगाएंगे नहीं। तो वो बंदा 1,16,000 रुपये पर आ गया। तो जब उसने 1,16,000 रुपये लगाए तो अली भाई ने मेरी तरफ़ देखा, मैंने अली भाई ये 1,16,000 में भी विन एंड विन सिचुएशन है, क्योंकि तो एक बकरा 80,000 रुपये तक का है, दूसरा बकरा अगर हम गोश के हिसाब भी लगाएं तो 1,10,000 1,15,000 की ये जोड़ी है। अली भाई ने बोला चलो सर कोई बात
नहीं, 5,000 और ले लो। हमने 1,05,000 रुपये उसके लगा दिए और इससे 1 रुपया भी हमें आगे नहीं बढ़ाना था, लेकिन हमें पता था व्यापारी नहीं देगा। तो व्यापारी ने बोला भाई मेरे बारे में नहीं है, मेरे में नुकसान है। अली भाई ने बोला किसी गरीब का नुकसान हो ये बेहतर है कि हम लोग आगे चल के दूसरे बकरे देखें। जैसे हम आगे दूसरे बकरे जाने देखने लगे, उसने पीछे से आवाज़ मारी कि भाई इधर आ जाओ। हम लोग उसके करीब गए, उसने बोला 1,08,000 में 2 बकरे चाहिए। ये भी हमारे लिए विन एंड विन सिचुएशन थी, क्योंकि वो बकरे अगर मैं एरिया में ले आता ना तो 1,40,000 रुपये भी अगर मैं मुँह से बोलता तो कोई यकीन नहीं करता। इतने प्यारे बकरे थे वो, एक का वेट 50 kg से भी ऊपर था और दूसरे का वेट तकरीबन 32-35 था, लेकिन एक हाइट में बहुत छोटा था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको प्रो टिप दे दूँ कि जब भी बकरा देखो ना तो हमेशा पैसे लगाने के बाद जब फाइनल कर रहे हो तो उसको उस जगह से निकाल के रोड पे ला के देखना ज़रूर। जैसे मंडी की जो अंदर चलने की जगह होती है ना, उस जगह पे आके ज़रूर देखना, बकरे में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही हमने उसकी बंधी हुई जगह से उसको रोड पे लेकर आए और उसको जब हमने गौर से देखा तो वो बकरा मेरे हिसाब से 35,000 रुपये का भी नहीं था। और अगर हम एक बकरा 80,000 का लगाएं, दूसरा 35,000 का लगाएं, तो 1,15,000 रुपये बनते हैं और वो हमें 1,08,000 रुपये में दे रहा था, लेकिन अली भाई ने 1,05,000 रुपये लगा दिए थे। अब अली भाई को वो जब बकरा बाहर आया और चलने लगा तो बहुत ही छोटा लगा, जिसकी वजह से अली भाई ने मेरी तरफ़ देखा। अली भाई ने बोला बेटा आज तो फंस गए, क्योंकि ये बकरा देने को तैयार है और हमें बकरा नहीं लेना, क्योंकि इसमें एक बकरा बहुत छोटा है। जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, ये अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर देता है। अभी मैं ब्लॉग में चुप था, मैंने बंद करा था, इसने म्यूज़िक रोक दिया था। अब रोक दिया, अब एकदम स्टार्ट कर देगा। एक तो मिडिल क्लास होने के ना बहुत सारे नुकसान है। एसी आप चला नहीं सकते कि क्या अम्मा बोलेंगे कि बिल कौन भरेगा, और ऐसे जब खड़े होकर बात करोगे तो ये आइसक्रीम वाले घूमते हैं। अली भाई ने बकरे को देखते के साथ ही मेरे कान में बोला कि अदील इसमें से एक बकरा बहुत छोटा है, हमने गलत पैसे लगा दिए। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मैं मंडी घूम रहा हूँ वो उसमें भी कैश सिचुएशन थी, विन एंड विन सिचुएशन थी हमारे लिए, क्योंकि एक बकरा 80,000 रुपये का था तो दूसरा बकरा जो 30-32 किलो का था वो कम से कम 35,000 रुपये का हमें पड़ रहा था, जो कि आम मंडी में 45-50,000 रुपये का मिल जाता है। मैंने अली भाई को बोला अली भाई आपको क्या सीन लग रहा है। अली भाई ने बोला यार मुझे लग रहा है मैंने पैसे ज़्यादा लगा दिए, 1,05,000 रुपये में भी वो व्यापारी हमें देने को तैयार था और वो हमें आवाज़ दे रहा था कि मेरे पास आओ। तो अली भाई ने एक सीन सोचा, अली भाई ने बोला दिल अब फंस चुके हैं, सीन ये कि अगर अभी 2 बकरे ले गए घर पे, ना सेटअप है ना कुछ है, ये तबीयत हरी कर देंगे और हमारी अम्मी उससे ज़्यादा गुस्सा होंगी कि अम्मी ने बोला था 1 बकरा लेकर आना और हम लेकर आ गए 2। तो अम्मी ने बोला वैसे ही तुम पीछे भी तुम्हारे 2 बकरे और बंधे हुए हैं जो कि फार्म से आएंगे, तो 2 बकरे वो हो गए, 2 बकरे तुम ये लिया, 1 तुम गाय ले आओगे, क्या क्या लेकर आओगे। तो अम्मी हमारी बहुत गुस्सा होती हैं इसी चीज़ों से कि अम्मी बोलती है जितनी इंसान की चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो मैंने अली भाई को बोला अली भाई आपको बकरा अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं है, आप ले लो, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे लेना, फिर मेरी ज़िम्मेदारी पे मत लेना, क्योंकि मुझे एक बकरा वाकई में बहुत छोटा लग रहा है। तो अली भाई ने व्यापारी को हाथ हिला के बोला हाँ हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, हम बातें करने लगे। और इतने में अली भाई ने मुझे बोला कि अदील मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, अंधेरा था वहाँ बिल्कुल। अली भाई ने बोला तुम बाइक लेकर आओ, हम बाइक पे बैठेंगे और आगे चले जाएंगे। मैंने अली भाई क्या मतलब बकरा नहीं लेना। अली भाई ने बोला नहीं भाई मैंने बहुत पैसे लगा दिए, इसमें से एक बकरा बहुत छोटा है। अब अली भाई हमारे हैं बड़े भाई, बड़े भाई की करनी है इज्जत, जो बड़े भाई बोलेगा वो तो करना ही करना है। तो अली भाई अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे पैर जाने लगे और मैं वहाँ से दबे दबे पैर बाइक पे बैठा, बाइक पे आहिस्ता 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 लाइट ऑफ करके अली भाई की तरफ आया, अली भाई मैं बैठे और फिर हम वहाँ से निकले गए, एक तरीके के भाग ही गए। तो सीन ये था कि आगे जाके हम एक केबिन पे रुके जहाँ से मैंने पानी की बोतल ली और अली भाई को बोला अली भाई अभी भी टाइम है चल के बकरे ले लेते। अली भाई ने बोला भाई माफ़ कर, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था, 1,05,000 रुपये लगा दिए जिसमें से एक बकरा तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नसीब का सौदा था हमारा, नहीं हुआ तो खैर हो गई। तो यार ये थी हमारी स्टोरी टाइम जिसमें हमें बकरा मंडी से भागना पड़ा और सौदा होते हुए भी हम बकरे नहीं ले पाए, क्योंकि उसमें से जब हमने एक बकरा बाहर निकाला तो जो हमने पैसे लगाए हुए थे उसमें हमें वो मुनासिब नहीं लग रहा था। और कुर्बानी की भी यही शर्त है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा पहला स्टोरी टाइम। अगर स्टोरी टाइम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और आज कोशिश करूँगा कि अगर थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए तो शाम में निकल के कोई अच्छा सा व्लॉग शूट करूँ जो कि आप लोगों के सामने हो। तो इस तरह एक दिन की 2 वीडियो हो जाएंगी, एक स्टोरी टाइम हो जाएगी और एक व्लॉग हो जाएगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आज दूसरी वीडियो भी डालूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।